नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा, एक नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। जीप ने बाइक को मारी टक्कर, 30 फीट उछला युवक, मां बेटे सहित तीन की मौत। गढ़ थाने के कलवारी में हुआ हादसा, सप्ताह भर बाद होने वाली थी युवक की शादी, मातम में बदली खुशियां। बदमाश के घर सीमांकन करने पहुंची पुलिस, 24 घंटे में घर खाली करने का दिया अल्टीमेटम। मऊगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दादोल साकेत के घर का हुआ सीमांकन, NDPS एक्ट में फरार है आरोपी। छत्तीसगढ़ में हुई चोरी के जेवर रीवा से बरामद, आरोपी को लेकर रीवा पहुंची पुलिस। सराफा बाजार से जेवर बरामद कर लौटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के गांधीनगर थाने में चोरी की हुई थी घटनाएं, CCTV कैमरे की मदद से आरोपी को पकड़कर रीवा पहुंची पुलिस। और शराब की दुकानों के सामने भजन कीर्तन जारी, भाजपा कार्यकर्ता विरोधी पार्टी के समर्थित दुकानों के सामने कर रहे धरना प्रदर्शन। आग से दर्जन भर किसानों की फसल जलकर हुई राख, सिमरिया थाने के पीड़ा और पुड़ के करियाधर जंगल में लगी भीषण आग। महुआ कचरा जलाने के लिए लगाई गई थी आग, खेतों में फैल रही आग से किसानों का हो रहा नुकसान। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने उठाया सवाल, गृह मंत्री बताया दुष्कर्म के आरोपी महंत से क्या है उनके संबंध। शहर में आबादी के बीच शराब दुकान खोले जाने का भी किया विरोध। और शहर के समान थाने में रविवार देर शाम नेहरू नगर मोहल्ले के बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। पार्षद पद के खिलाफ दर्ज की शिकायत के विरोध में पुलिस को घेरा, तथ्यों की पड़ताल किए बिना FIR दर्ज करने का लगाया आरोप। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन रानी तालाब मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद। 6 अप्रैल को निकाली जाएगी सर्वधर्म चुनरी यात्रा। और रीवा मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल की दी संबद्धता। MDRU केवल रीवा में स्थापित, इसलिए यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए है। हरिश्चंद्र के देहदान के संकल्प को परिजनों ने किया पूरा, पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे परिजनों ने मेडिकल कॉलेज को किया सुपुर्द। 87 साल की उम्र में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की हुई मौत, परिवार के लोगों की सहमति से मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अध्ययन के लिए दिया था अपने शरीर का दान का संकल्प। कोतवाली थाना क्षेत्र में भवन निर्माण को लेकर मारपीट, गाली गलौज। फोर्ट रोड दुर्गा मंदिर के पास कुलदीप ताम्रकार के साथ विनोद ताम्रकार एवं यशवंत ताम्रकार ने की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर मामला दर्ज। घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल बदमाशों ने की चोरी, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूटे ही अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे शशांक सिंगल की बाइक हुई चोरी। युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी हिमांशु द्विवेदी निवासी कंचनपुर के खिलाफ महिला थाने में हुई शिकायत दर्ज। आरोपी के द्वारा किशोरी के साथ की गई थी अश्लील हरकत, छेड़छाड़ का लगा आरोप। रामजी साकेत नाम के युवक ने झरिया जंगल पहाड़ में फांसी लगाकर की आत्महत्या, रघुनाथपुर थाना। रामपुर मैकिन का रहने वाला है युवक, गोविंदगढ़ पुलिस ने दर्ज किया मामला। और शराब पीने के लिए पैसा ना देने पर गाली गलौज, शाहपुर के थाना क्षेत्र के धौचट में हुई घटना, महिला के साथ आरोपी धर्मेंद्र द्विवेदी ने की गाली गलौज। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया, चाकर थाना क्षेत्र निवासी सोनम विश्वकर्मा के घर हुई लाखों रुपए की चोरी। 213 cc नशीली कप सिगरेट के साथ पकड़ाया युवक, बैकुंठपुर पुलिस ने सौर पटना दोहा मोड़ के पास जितेंद्र उर्फ जीतू उर्फ मामा से की नशीली कप सिरप जब्त। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज। आधा किलो गांजे के साथ आरोपी श्यामलाल कौल गिरफ्तार, बैकुंठपुर पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला किया दर्ज। महानदी पुल के पास किया आरोपी को गिरफ्तार। और मनगवा पुलिस ने 110 cc नशीली कप सिरप के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी से 3 kg 100 g गांजा बरामद। राहुल सेन निवासी खैरापुर रघुराजगढ़ से लिया गया हिरासत में। फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।